कि स्पेशल पैकेज में क्या क्या कब कब मिला है और कहां गया। सरकार में तो बीजेपी के बंधु भी शामिल हैं। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर इन दिनों फिर से राजनीति गर्म है और आज एक बार फिर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर कहा कि विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार को देना होगा। पैकेज देने से क्या क्या मिला है ये सबको पता है। ये तमाम चीज़ों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे पर कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे किसी पार्टी विशेष की नहीं है, ये पूरे राज्य की मांग है और हर पार्टी को इसमें सहयोग करना चाहिए। बीजेपी ये बताए कि विशेष पैकेज में क्या क्या मिला है, आप ही ज़रा बता दीजिएगा। सीधे तौर पर बीजेपी पर उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों इशारों में हमला भी किया। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा विशेष राज्य के दर्जे पर, वो हम आपको सुनाते हैं। अरे भैया, सबको चाहिए कि इस काम में सहयोग करें। विशेष राज्य का दर्जा किसी पार्टी विशेष की मांग नहीं है, यह राज्य की मांग है और राज्य के हित में आवश्यक है। जब तक विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलेगा तो जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। पर बीजेपी के लोगों का कहना है कि सर केंद्र सरकार के द्वारा स्पेशल पैकेज मिलते रहता है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। भैया तो उनको बताना चाहिए ना कि स्पेशल पैकेज में क्या क्या कब कब मिला है और कहां गया। सरकार में तो बीजेपी के बंधु भी शामिल हैं, तो खुद ही बतावे कि पैसा कब कितना मिला विशेष पैकेज के रूप में और फिर कहां कहां खर्च हुआ, बताना चाहिए। दूसरी चीज कि तमाम कोशिश राज्य की सरकार कर रही है, इस कोशिश के लिए कई सर्वे भी की रिपोर्ट भी आई है जिसमें यहाँ जो प्रगति पहले के मुकाबले में हुई है उसके बारे में भी सब लोगों ने अप्रिसिएट किया है कि अच्छा काम यहाँ की सरकार कर रही है। लेकिन उसके बावजूद राज्य जितना आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाया, तो उसके लिए आखिर क्या उपाय, उसके लिए ही विशेष राज्य का दर्जा हम लोग कर रहे हैं, तो विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। सम्राट चौधरी को साफ कहना है कि कोई ऐसा कॉलम बचा ही नहीं है जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके। यार विशेष राज्य का दर्जा दिए बगैर आखिर सरकार में बीजेपी के लोग भी हैं और सरकार में बिहार की सरकार में जो लोग भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम भी कर रहे हैं, बिहार का प्रोग्रेस भी हो रहा है, उसके बावजूद बिहार को जहां पहुंचना चाहिए दूसरे राज्यों के मुकाबले में वहां नहीं पहुंच पाता है। अब इसके लिए आखिर क्या रास्ता हो सकता है, इसके लिए ही विशेष राज्य के दर्जा की मांग की जा रही है ना, तो विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या किसी पार्टी के हों, उनको चाहिए कि इस काम में सहयोग करें। बिल्कुल सबको एक साथ आना चाहिए क्योंकि यह मांग किसी पार्टी विशेष की मांग नहीं है, यह मांग पूरे राज्य की मांग है, बिहार की मांग है, बिहार के हित के लिए जरूरी है, इसलिए सब लोगों को साथ आना चाहिए। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे से बिहार को काफ़ी फायदा होगा और विकास की गति में तेज लाई जाएगी और पैकेज में क्या क्या मिला है ये बीजेपी के लोग को भी पता है, ज़रा वो ही बता दे कि क्या क्या मिला है। ये तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे पर एक बार फिर से हमला किया है और सीधे तौर पर कहा है कि जरूर विशेष राज्य का दर्जा किसी पार्टी विशेष का नहीं, ये राज्य की मांग है और जो लोग इस पर कह रहे हैं उन्हें समझ नहीं है। ये तमाम चीज़ों को लेकर सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों इशारों में बीजेपी भी हमला किया। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्जन न्यूज़ के साथ और देखते रहें। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स अनिशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई, और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएं, प्लीज़ कम। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ बालवाड़ी केंद्र द्वारा। गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी जी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम कर रहे हैं।